हिमाचल पेंशनर संघ हमीरपुर जिला इकाई की मासिक बैठक जिला प्रधान केसी गौतम की अध्यक्षता में पेंशनर भवन हमीरपुर में संपन्न हुई। महासचिव शंभूराम जशवाल द्वारा बैठक के एजेंडा की जानकारी देते हुए संचालन प्रक्रिया प्रारंभ की गई। बैठक में पेंशनरों की मांगों व समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। हिमाचल पेंशनर संघ हमीरपुर जिला इकाई की मासिक बैठक जिला प्रधान केसी गौतम की अध्यक्षता में पेंशनर भवन हमीरपुर में संपन्न हुई। महासचिव शंभूराम जसवाल द्वारा बैठक के एजेंडा की जानकारी देते हुए संचालन प्रक्रिया प्रारंभ की गई। सर्वप्रथम बैठक में अपने वरिष्ठ सदस्य मरचूराम शर्मा निवासी रमेड़ा, दिलेराम निवासी डुग्गी तथा देश की महान विभूतियों शीला दीक्षित व सुषमा स्वराज के निधन पर 2 मिनट का मौन रखा व शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की गई। बैठक में पेंशनरों की मांगों व समस्याओं बारे विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में संघ के सदस्यता कार्यक्रम पर चर्चा के दौरान खंड इकाइयों के प्रयत्नों को सराहना की गई तथा उनसे आग्रह किया गया कि जिन गांवों में सदस्य बनाए जाने का कार्य अभी बचा है, खंड पदाधिकारी वहाँ इस कार्य को पूरा करने का प्रयास जारी रखें। पेंशनर भवन के निर्माण कार्य बारे तकनीकी सलाहकारों से चर्चा की गई। भवन निर्माण कमेटी के अध्यक्ष सालीग्राम ठाकुर ने निर्माण कार्य को चर्चा अनुसार जारी रखने का आग्रह किया। चर्चा के दौरान जिला प्रधान द्वारा बताया गया कि जिला भर में पेंशनरों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के कार्यक्रम में समूचे जिला के साथ साथ बिलासपुर जिला के कुछ क्षेत्रों में लगभग 675 वृद्ध पेंशनरों को ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है, जिसमें 200 के करीब रुग्णावस्था में बिस्तर पर या चलने फिरने में असमर्थ पेंशनरों व फैमिली पेंशनरों को इस सुविधा का भरपूर लाभ मिल पाया है। कुछ एक पेंशनर अभी शेष हैं जिन्हें भी शीघ्र ही सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त संघ द्वारा कुछ एक पेंशनरों के ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई। बैठक में सलाहकार आरएल पटियाल, कोषाध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा, उप प्रधान दीप चंद शर्मा, उत्तम चंद शर्मा, परशुराम ठाकुर, धर्मदास चौधरी, प्रेम कौशल, देशराज शर्मा, प्रेमचंद, जोगिंदर सिंह पुंडेर, हेमराज शर्मा, धर्म सिंह नुघाल, उत्तम चंद शर्मा, जैसी राम पुरी, रोशनलाल शर्मा, सुनील कुमार सहित अन्य पेंशनरों ने भाग लिया।